नमस्कार, आपका अक्षता क्लासेस में स्वागत है। आज हम रामधारी खंड एक की प्रतिलेखन संख्या 38 की डिक्टेशन करेंगे, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होगी। आपकी डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में शुरू होगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा, और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे ना अधिक और ना कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है, और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज, वरन, ईंधन, तेल, कोयला आदि सबकी बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्य बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक ना होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमन, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है। यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए।
अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।